नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा देने वाले बच्चों से की मन की बात, बताए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। नहरी विभाग ठेकेदार द्वारा बरसाती नालों के निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग करने के लिए सांद्रवास ग्रामीणों ने लगाया आरोप। गांव तिगड़ाना के ग्रामीणों ने ऑटो चालकों द्वारा मनमाना किराया लेने के लगाए आरोप, सौंपा उपायुक्त को ज्ञापन। लोक गायक राजेंद्र खरकिया के पुत्र पर अज्ञात लोगों ने हमला कर किया घायल, इलाज के लिए भेजा गया जिला सामान्य अस्पताल। भिवानी हलचल कर्मचारियों को सड़क पर पड़ा मिला पैन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र, रेशमा वलेचा पुत्री दलीप कुमार के हैं दोनों कार्ड। प्राप्त करने के लिए भिवानी हलचल स्टूडियो से करें संपर्क। अब खबर विस्तार से। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने शुक्रवार को रेडियो पर प्रसारित भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम को ध्यान से सुना। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बच्चों को परीक्षाओं को लेकर महत्वपूर्ण बातें बताई व भय मुक्त परीक्षा देने के लिए भारत के बच्चों का हौसला बढ़ाया। भाजपा सरकार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रेडियो द्वारा प्रसारित मन की बात के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार भारतीय नागरिकों से साझा करते रहते हैं और आजकल परीक्षाओं का समय है, इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से परीक्षा देने वाले बच्चों से अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने ध्यान से प्रधानमंत्री के विचार सुने। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा अध्यापिकाओं व अध्यापकों को भी संबोधित किया गया और उन्हें बताया कि बच्चों को मन में बैठे हुए एग्जाम के प्रति भय को निकालने का काम करें ताकि बच्चे बिना किसी भय के अपनी परीक्षा दे सके। नरेंद्र मोदी जी जो है वो मन की बात सबके सामने रखते हैं और उनकी मन की बात से हमें काफी फायदा होता है, हमें पढ़ाई में भी काफी मदद मिलती है, पूरी देश की जनता उनकी मन की बात बहुत दिल से सुनती है, हमने भी उनकी मन की बात काफी अच्छे से सुनी है, मन से सुनी है। उनकी मन की बात से सभी बच्चों को बहुत फायदा होता है, उनका पढ़ाई में मन लगता है और सभी को अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं वो उनकी मन की बात से, तो उनकी मन की बात हम अपने दिल से सुनते हैं। इस तरह के कार्यक्रम बच्चों की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए उनमें जो परीक्षाओं को लेकर जो स्ट्रेस है उसे कम करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम करते रहने चाहिए हमारी सरकार को, हमारे विद्यालयों को, ताकि बच्चों के स्ट्रेस को कम किया जा सके, वो कोई भी अनहोनी तरह के कार्य या अनहोनी के कदम ना उठाए। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब जो बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं इस बारे में, बच्चों का स्ट्रेस कम हो, परीक्षा के वो उनको गुरु बता रहे हैं परीक्षा से ऐसे आप अपने आप को मजबूत करें और कोई भी मतलब दिमाग पर बोझ न बढ़ाएं। तो इतने बड़े नेता जो अपना टाइम निकाल कर और देश के राष्ट्र निर्माता जो बच्चे हैं उनके लिए निकाल रहे, ये बहुत सौभाग्य की बात हमारे लिए। सांद्रवास के ग्रामीणों ने गांव में बन रहे बरसाती नालों में ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री प्रयोग करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि अपनी शिकायत लेकर सभी ग्रामीण विभाग के कनिष्ठ अभियंता व आला अधिकारियों को कई बार शिकायत दे चुके हैं लेकिन विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही। काफी दिनों से चरखीदादरी जिले के गाँव सांद्रवास में बरसाती पानी की निकासी को लेकर सड़कों के दोनों तरफ बरसाती नाले बनाए जा रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बरसाती नाले में घटिया सामग्री, कच्ची ईंटें व कम सीमेंट के इस्तेमाल करने के ठेकेदार व संबंधित विभाग पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीण ओमपाल ने बताया कि नाले की लेवलिंग के भी कमी है, जिसमें सड़क के एक तरफ तो नाले को ऊंचा किया गया है और दूसरी तरफ उसे नाले को नीचा रखा गया है। काफी बार विभाग के जेई जतिन कुमार व आला अधिकारियों को इस बारे में सूचित किया गया लेकिन विभागीय अधिकारियों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से मांग की कि वो इस कार्य की निष्पक्ष जाँच करे और संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही करे। सूखा मसाला गिर रखा है और लेवल मार दिया और उसमें मसाले ईंट से वो कच्ची ईंट पिल्ली ईंट लगा दी वहाँ पर और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। इससे हम ये चाहते हैं सरकार से इसकी इसकी बात जांच करवाई जाए और जल्दी से जल्दी इस नाले का काम पूरा करवाया जाए, यही है ताकि आने जाने की समस्या ना हो। घर क्या करना, कोई पुलिया बनाई गई है ना और कुछ, ये कह रहे हैं भाई अपने पैसे लगाओ
और अपना काम कराओ, सरकार की ओर से कोई वो नहीं है। शुक्रवार को निकटवर्ती गांव तिगड़ाना के ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर लघु सचिवालय में उपायुक्त से मिलने पहुंचे। अपनी शिकायत में उन्होंने डॉक्टर अंशद सिंह को बताया कि तिगड़ाना से भिवानी के बीच ऑटो चालकों द्वारा यात्रियों से नाजायज किराया चार्ज किया जाता है। वहीं ग्रामीणों ने इस मार्ग पर और बसें चलाने की मांग की ताकि ऑटो रिक्शा पर निर्भर न रहना पड़े। आपको बता दें कि यातायात विभाग द्वारा बसों में तिगड़ाना से भिवानी तक 10 रुपए किराया लिया जाता है, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि निजी ऑटो चालक व वाहन चालक भिवानी से तिगड़ाना के लिए मन मर्जी से 15 रुपए किराया सवारियों से वसूल रहे हैं, जबकि रोडवेज विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कोई किराये में बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि यदि प्रशासन इस मार्ग पर बसों की संख्या बढ़ा देता है तो उन्हें ज्यादा किराया वहन नहीं करना पड़ेगा। इस मामले को लेकर सभी ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे और उन्होंने अपनी शिकायत भरा ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। वो जल्द से जल्द तिगड़ाना व भिवानी के बीच बस चलाने की मांग की। हमारी जो गांव की जो टेम्पो है ना, वो 15-20 आदमियों को बैठा के लेते हैं, जबकि अथराइज हैं 4-5। हमने डी साहब से रिक्वेस्ट करी कि भाई 4 लाइन का रोड बना हुआ है, बच्चे और औरतों की सुरक्षा के लिए ज़्यादा सवारी है, कहीं दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए हमने बताया कि भाई जो अथराइज सवारी है वो ही बैठा के ले, ताकि आराम से कोई दुर्घटना ना हो। दूसरी बात यह है कि डीसी साहब को हम मेमोरेंडम देंगे कि भाई गांव बड़ा है, इसमें एक बस 4 चक्कर लगाए दिन में। सवारी है ना वो बहुत ज़्यादा की तादाद में है, कम से कम 500 सवारी रोज़ाना भिवानी का आना जाना आवागमन होता है। और ये क्या नाम से दूसरी बात गांव की तरफ से ये है आई है कि भाई किराया पहले 10 रुपये है, मिथातड़ और नज़दीक के गाँव में जो कि तिगड़ाना से भिवानी में काफ़ी मतलब दूरी है, वो 10 रुपये लेते हैं। इन्होंने अपनी मर्जी से अपना आप ही किराया बढ़ा दिया, ये टेम्पो वालों ने किराया बढ़ा दिया। उनसे हम आप ये भी अनुरोध अभी करते हैं कि वो 10 रुपये पर अपने भाई पुराना जो फेयर है उस पर आ जाएं। और अभी जो ये जो चिगड़ाना से भिवानी के लिए टेम्पो चलते हैं, टेम्पो वालों ने किराया अपनी मर्जी से 10 से 15 रुपये बढ़ा दिया गया है, जो कि आम आदमी के ऊपर ये नाजायज है। ये किराया जो है ना 10 रुपये था, 10 रुपये होना चाहिए, क्योंकि भिवानी से चिगड़ाना के बीच में जो बस चलती है हरियाणा रोडवेज की, उनका किराया 10 रुपये ही है, और ये किराया नाजायज किराया लिया जा रहा है। ये अरे आम आदमी पर बोझ है और सवारियां भी बहुत ज़्यादा भरी जा रही हैं गाड़ी इसके टेम्पो के अंदर। कम से कम अगर ये 5 से 6 सवारी के लिए टेम्पो बनाया गया है, तो 5 या 5 जो थ्राइस सवारी है वही इसके अंदर सफर करें। बीती रात हरियाणवी लोक गायक राजेंद्र खरकिया के पुत्र केहर सिंह पर भिवानी के नया बस स्टैंड के समीप अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला करते हुए उन्हें घायल कर दिया। सूचना मिलते ही सब्जी मंडी चौकी के SHO मौके पर पहुंचे और घायल को जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल करते हुए अपनी जांच पड़ताल आरंभ कर दी। आपको बता दें कि लोक गायक राजेंद्र खरकिया अपनी हरियाणवी रागनियों के लिए प्रत्येक हरियाणवी के मन में बसे हुए हैं, लेकिन मनुष्य जितना तरक्की करता है उतने ही उसके विरोधी समाज में पैदा हो जाते हैं। इसी के चलते उनके पुत्र केहर सिंह पर नया बस स्टैंड के समीप बीती रात जानलेवा हमला किया गया, जिसे तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस के जांच अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे और अज्ञात लोगों को पकड़ने के लिए अपनी जांच पड़ताल आरंभ कर दी है। वहीं घायल केर सिंह ने बताया कि उन पर 7-8 लोगों ने हमला किया है। मेरा बड़ा भाई है, पहले हमें धमकी दी गई थी, अखबार में भी आया था, मैंने SP साहब को भी बताया था, मेरे को पहले भी धमकी मिल चुकी है, पैसों का झगड़ा था, उन्होंने पैसे दिए नहीं। आज मेरा बड़ा भाई है, ये कोर्ट में आया हुआ था, उन्होंने इसके साथ मारा, जिसमें इसका सिर भी फट गया। 4 तोड़े की चेन पहनी थी, वो चेन तोड़ दी और इसकी जो बाइक थी वो बिल्कुल डैमेज कर दी। केर सिंह सुनो, राजेंद्र सिंह गाँव खरक कला का रहने वाला है, ये एडमिट हुआ था, रात में हमारे पास रुक आया था, इसकी स्टेटमेंट ली गई थी, जिसकी जो है ना अभी तस्दीक जारी है, क्योंकि रात को तो जो है ना काफ़ी लेट समय हो चुका था, अब इसकी तस्दीक कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं कि भाई मेरी बाइक को जो है तोड़ दिया और मेरी चेन जब्त ली, तो अब इसकी तसल्ली की जा रही है भाई ये क्या चीज़ क्या है, ये इसकी तस्दीक की जा रही है भाई इसमें सच्चाई क्या है। चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा देने वाले बच्चों से की मन की बात, बताए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। नहरी विभाग ठेकेदार द्वारा बरसाती नालों के निर्माण में घटिया सामग्री प्रयोग करने के लिए सांद्रवास ग्रामीणों ने लगाया आरोप। गांव तिगड़ाना के ग्रामीणों ने ऑटो चालकों द्वारा मनमाना किराया लेने के लगाए आरोप, सौंपा उपायुक्त को ज्ञापन।
लोक गायक राजेंद्र खरकिया के पुत्र पर अज्ञात लोगों ने हमला कर किया घायल, इलाज के लिए भेजा गया जिला सामान्य अस्पताल। भिवानी हलचल कर्मचारियों को सड़क पर पड़ा मिला पैन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र, रेशमा वलीचा पुत्री दलीप कुमार के हैं दोनों कार्ड, प्राप्त करने के लिए भिवानी हलचल स्टूडियो से करें संपर्क। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल मेरे दूसरे सहयोगी के साथ।